सभी लोगों को पता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। आजकल लोग टिकट लेने में लगे हुए हैं, राजनीति को अपने कैरियर में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति से जिंदगी बनती भी है और राजनीति से जिंदगी बिगड़ती भी है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेता जब पार्टी से उनको धोखा मिलता है तो वह पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति को खेल समझते हैं। ऐसा ही मामला भोगांव विधानसभा का है। यहाँ के रहने वाले सुनील पाल, जो कि वर्तमान में ग्राम सभा मल्लामई के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, सुनील पाल ने करीब 3 महीने पहले आम आदमी पार्टी चुनाव निशान झाड़ू के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया था और कोशिश की थी कि विधानसभा के गांव से उनको टिकट मिल जाए। जब आम आदमी पार्टी की टिकट नहीं मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश करने का एक छोटा सा प्रयास किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रामरेश अग्निहोत्री ने मिठाई खिलाकर उनका अपनी पार्टी में स्वागत किया, लेकिन उनको बीजेपी पर भरोसा न हुआ और उन्होंने तुरंत समाजवादी पार्टी से समझौता कर लिया और पूर्व मंत्री आलोक शाह से बातचीत की। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग पार्टी को बदनाम तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को बदनाम करने में लगे रहते हैं और बड़े बड़े नेताओं को भी बदनाम करने का काम करते हैं। हालांकि लोगों का क्या मानना है, आइए आपको सुनाते हैं मोहित कुमार की रिपोर्ट। तो राजनीति के दौर में आप राजनीति को किस तरीके से मानते हैं? लोग जो है क्या सही दिशा निर्देश पर एक ही पार्टी में रहते हैं या नहीं रह पाते हैं? नहीं रहते, पार्टी में रहते हैं, दल बदलू हैं, इधर उधर चले जाते। मतलब दल बदलू का मतलब क्या है? मतलब यह पार्टी छोड़ देते हैं, कभी सपा में, कभी बीजेपी में, कभी कोई पार्टी है। तो अगर अगर पार्टी में उन्हें स्नेह नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं? स्नेह तो मिलता है लेकिन स्थिर नहीं है, भरोसा नहीं है। कैसे लोग होते हैं जो पार्टी छोड़ देते हैं? ऐसे लोग होते हैं, आज लोगों का भरोसा नहीं है, उन्हें शाम को वहाँ मिले, सुबह हमने दूसरी पार्टी से मिल रही है। राजनीतिक बदलाव है, दोगले हैं और क्या। तो क्या उन लोगों के कोई नाम है आपकी सूची में जो लोग जो है जल्दी पार्टी बदल देते हैं? हाँ नाम है। क्या, कौन कौन है? वो नाम है, वो तो नाम तो पार्टी वालों को ही पता भी है। ऐसे क्या, तो ऐसे लोगों पर जो है पार्टी को भरोसा नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, पार्टी को भरोसा नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पर। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों को हम गद्दार कहेंगे, मतलब ही अपना काम निकालते हैं, इस पार्टी से उठते हैं, उस पार्टी से, पार्टी का जो है सहयोग लेके अपना काम निकाल लेते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं पार्टी। राजनीति आज के दौर में चल रही है, वो किस तरीके से चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? निजी स्वार्थ है भाई साहब, निजी स्वार्थ, सब अर्थ के पीछे पड़े हुए। आज महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसी कहानी है ही नहीं। महात्मा गांधी जो एक धोती थे पूरे देश की यात्रा की, आज के दौर में है ही नहीं। आज एक नेता के पीछे दसियों गाड़ियाँ चलती हैं और दसियों उनके पास पुलिस महकमा चलता है। कितना खर्च आता है एक व्यक्ति के ऊपर? उस समय भी तो सरदार पटेल हो या महात्मा गांधी हो, ऐसे कई नेता है जो पूरे देश में पैदल ही भ्रमण किया करते थे। आज इनको इतना भय और डर है कि 50 गाड़ी एक के साथ 20 गाड़ियाँ चलती हैं, 50-50 लोग शामिल होते हैं। और आपराधिक तत्व, ये आज राजनेता एक बहुत बड़े अपराध माफिया की तरह हो गए। उनकी पुलिस महकमा पूरा उनके अंडर में हो जाता है। आप कितने भी कांड, जितने भी शुरुआत होती है राजनीति से ही होती है। सीधा आदमी उसको आप जरा सी गलत कार्य करता है तो उसको पुलिस पकड़ के कर देती है। और जहाँ अराजक तत्व तो राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं वहाँ पुलिस ही नहीं बोल पाता। आप किसी भी पार्टी का हो, हर पार्टी में आपके बलात्कारी नेता घुसे हुए हैं, सफाया हो नहीं सकता है। पढ़े लिखे इंसानों को सही से नौकरी, वो क्या नाम, उसको नेता नहीं बना सकता है। आपके पास कितना बाहुबल है, कितने ताकतवर, उसी को टिकट मिलती है। मात्र दिल्ली के मैं मानता हूँ, पूरे प्रदेश में एक दिल्ली का एक आप पार्टी है, उसमें तो मैं कह सकता हूँ कि आप पार्टी में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिस पर अपराध जैसे केस लगे हों। बाकी हर प्रदेश में कहीं ना कहीं हर पार्टी में मिलेंगे आप। अच्छा, राजनीति किस तरीके से इस्तेमाल करता है आज के लोग? अर्थयुग है, सब देखना चाहता है, अपने पार्टी के लिए भी इकट्ठा करना चाहते हैं लोग। पार्टी के लिए कहाँ से पैसा आए, कैसे हमारी जीत हो, कैसे मैं अपने राजगद्दी पर मैं बैठा रहूं। पहले अगर कोई भी अगर हमारा कोई भी हादसा हो जाता था, वो कहता है भाई ठीक है मैं इस्तीफा दे रहा हूं, व्यक्ति अलग हो जाता था। आज गलत कार्य करने के बाद भी चिपका रहता है, गद्दी नहीं छोड़ना चाहता है। अच्छा, जो लोग पार्टी को आज किसानों का भी देख लो, अगर अभी वर्तमान में देख लो, किसानों का कृषि मंत्री है, किसानों को ही कुचल रहा है, उसके बाद भी बैठा हुआ है, गद्दी नहीं छोड़ी जा रही।
जो लोग पार्टी को छोड़ देते हैं वो कैसे? अन्य लोग नहीं है क्या हिंदुस्तान में और व्यक्ति नहीं है जिसको उनको हटा करके तुरंत दूसरा व्यक्ति बैठा दिया जाए? पीढ़ी बाई पीढ़ी चलती चली जा रही है, नेताओं के बच्चे, उनके नाती पंती शुरुआत। जो लोग पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? तो अपना निजी स्वार्थ है, जहाँ उन्हें लाभ मिलता है।